हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों वेरिएटर बुश रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी वेरिएटर होता है उसका पूरा सब कुछ सही होता है, बट समटाइम ये बुशिंग जो होती है ये डैमेज हो जाती है अंदर, जिसमें कि हमारा बॉस लगा रहता है और ये वेरिएटर ऊपर अंदर बाहर स्लाइड करता है, तो ये बुशिंग डैमेज हो जाती है। और बहुत बार ये फ्री भी हो जाती है बुशिंग, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने लग जाती है। तो ऐसे केसेस में हम पूरा वेरिएटर रिप्लेस ना करके ये बुशिंग को ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो वेरिएटर जो होता है ओरिजिनल अराउंड 350 रुपीज़ का आता है, बट ये बुशिंग रिप्लेस कर सकते हैं आप सिर्फ 50 रुपीज़ में। आप किसी भी लेथ वाले के पास जाके ये बुशिंग परचेज कर सकते हैं और फिर इसको अपने घर पर ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए मेरे पास इस प्रकार का ये पुलर है जो कि इस बुश को पुल करेगा, और ये हैमर है इंस्टॉल करने के लिए, हमारे पास मैलेट है, और ये रेंच है जस्ट इसको टाइट करने के लिए इसके नट को। तो आइए दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से आप इस बुशिंग को बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो कुछ इस टाइप से मैंने ये पुलर इस पर टाइट कर लिया है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रकार से स्टडीली ये बैठ चुका है, यहाँ पर जॉर्ज ने ग्रिप कर लिया है। नाउ हम इस नट को टाइट करेंगे तो ये बुश को ऊपर की ओर पुल करेगा, और तब तक टाइट करना है जब तक ये बुश बाहर ना आ जाए। तो आइए इसे करते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारा बुश ऊपर आने लग गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और टाइट और करना पड़ेगा फिर बुश हमारा बाहर आ जाएगा। बुश ऑलमोस्ट बाहर आ ही गया है, तो इसको हम हैंड की मदद से घुमा सकते हैं। तो ये हमारा बुश बाहर आ गया यहाँ पर, और कुछ इस प्रकार का इसका इनर डाया होता है। सो ये नई बुशिंग है जो कि मैं लेथ वाले से ख़रीद के लाया हूँ, जिसको हम खराद वाला भी बोलते हैं। नाउ सबसे पहले इस बोर को हमको थोड़ा सा लूप करना होगा, तो थोड़ा सा आप मल्टीपर्पज़ ग्रीस का यूज कर सकते हैं बुशिंग लगाने से पहले, इस बोर में थोड़ा सा ग्रीस लगा सकते हैं, देन इसको स्प्रेड कर लीजिए हैंड की मदद से। देन बुशिंग को लगा सिंपली इसमें आपको इस प्रकार से रखना है, इसको अलाइन कर लीजिए एक बार थोड़ा सा। देन आपको मैलेट लेना है और इसको स्ट्राइक करना है हल्के हल्के से, और इसको प्रेस करते जाना है। तो कुछ इस प्रकार से सिर्फ इस सरफेस के नीचे तक आपको इसको प्रेस करना है, और ये प्रेस हो जाएगा इजली मैलेट की मदद से, किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं आएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप अपनी जो है वेरिएटर की बुशिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।